or subscribe our channel for NCERT Science and Mathematics from 6th to 10th and for competitive exams preparation. नमो नमः। आज की वीडियो में हम छठी कक्षा की संस्कृत रुचिरा के दूसरे पाठ को पढ़ेंगे। तो दूसरा पाठ हम प्रारंभ करते हैं। द्वितीय पाठ यानी दूसरा पाठ, पाठ का नाम है शब्द परिचय दो। शब्द परिचय दो, पहले पाठ का नाम था शब्द परिचय एक। उसमें हमने पुल्लिंग शब्दों के बारे में जाना था। इस पाठ में हम आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में जानेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। ईशा का मतलब होता है यह, यानी स्त्रीलिंग शब्दों के साथ यह के लिए ईशा का प्रयोग होता है एक वचन में। तो ईशा का यह क्या है? ईशा दोला, यह झूला है। दोला मतलब झूला। दोला कुत्र अस्ति, दोला मतलब झूला, कुत्र मतलब कहाँ, अस्ति मतलब है। झूला कहाँ है? सामने आपको झूला दिखाई दे रहा है ना, तो पूछ रहे हैं कि झूला कहाँ है। दोला उपवने अस्ति, दोला मतलब झूला, उपवने मतलब बगीचे में, और अस्ति मतलब है, यानी जो झूला है वह बगीचे में है। तो ऐसे ही अब एक बार फिर से देख लेते हैं। ईशा का यह क्या है? ईशा दोला, यह झूला है। दोला कुत्र अस्ति, झूला कहाँ है। दोला उपवने अस्ति, जो झूला है वह उपवन में है, यानी बगीचे में है। तो अभी देखिए आपको एक घड़ी दिखाई दे रही है, अब हम इसके विषय में पढ़ेंगे। सा मतलब वह, का क्या है, वह क्या है? सा घटिका, सा मतलब वह, घटिका मतलब घड़ी, वह घड़ी है। घड़ी जो है स्त्रीलिंग शब्द है। घटिका किम सूचयति, घटिका मतलब घड़ी, किम मतलब क्या, सूचयति मतलब सूचित करती है, बताती है, यानी घड़ी क्या बताती है। घटिका समयम सूचयति, घटिका मीन्स घड़ी, समयम मतलब समय, सूचयति मतलब सूचित करती है या बताती है, जो घड़ी है वह समय को सूचित करती है, समय को बताती है। एक बार पूरे का देख लेते हैं। सा का वह क्या है? सा घटिका, वह घड़ी है। घटिका किम सूचयति, घड़ी क्या बताती है। घटिका समयम सूचयति, घड़ी समय बताती है। आगे है एते के, एते वही स्त्रीलिंग द्विवचन में आएगा, एते मतलब ये दोनों, के मतलब क्या है, ये दोनों क्या हैं। किम एते कोकिले, किम का मतलब क्या, एते मतलब ये दोनों, कोकिले दो कोयले, क्या ये दोनों कोयले हैं। न एते चटके, न मतलब नहीं, एते ये दोनों, चटके मतलब चिड़िया, दो चिड़िया, नहीं ये दोनों दो चिड़िया हैं। चटके किम कुरुतः, चटके मतलब चिड़िया, दो चिड़िया, किम मतलब क्या, कुरुतः मतलब
करती है या कर रही है। तो ये जो दोनों चिड़िया हैं ये क्या करती हैं? एते विहरत, एते मतलब ये दोनों, विहरत मतलब विचरण कर रही है या फुदक रही है, यानी ये दोनों चिड़िया फुदक रही हैं। एक बार इसका पूरे को देख लेते हैं। एते के, ये दोनों क्या हैं? किम एते कोकिले, क्या ये दोनों कोयले हैं? न एते चटके, नहीं ये दोनों चिड़िया हैं। चटके किम कुरुत, दो चिड़िया क्या करती हैं? एते विहरत, यानी ये दोनों चिड़िया फुदकती हैं। अब देख लेते हैं आगे। ते के, वे दोनों क्या हैं या वे दोनों कौन हैं? ते चाली के स्तह, ते मतलब वे दोनों, चाली के मतलब महिला चालक, यानी के लेडीज़ ड्राइवर, स्तह मतलब हैं, वे दोनों महिला चालक हैं। ते किम कुरुतः, यानी वे दोनों क्या कर रही हैं? ते वाहनम चालयतः, यानी वे दोनों वाहन को चलाती हैं। जो वो दो महिला चालक हैं वो दोनों वाहन को चलाती हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। ते के, वे दोनों कौन हैं? ते चाली के स्तह, वे दोनों महिला चालक हैं। ते किम कुरुत, वे दोनों क्या कर रही हैं? ते वाहनम चालयतः, वे दोनों वाहन को चला रही हैं। अब देखते हैं। एषः कः, ये स्त्रीलिंग का बहुवचन है। एषः मतलब ये सब क्या हैं? एताः स्थालिकाः, ये सब थालियां हैं। स्थालिकाः मतलब थालियां, ये सब थालियां हैं। किम एता गोलाकारः, किम मतलब क्या, एता मतलब ये सब, गोलाकारः मतलब गोल आकार की हैं, क्या ये सब गोल आकार की हैं? आम एता गोलाकारः एव, आम मतलब हाँ, एता मतलब ये सब, गोलाकारः मतलब गोल आकार की एव ही हैं, यानी ये सब गोल आकार की ही हैं। देखते हैं एक बार। एता एता कह, ये सब क्या हैं? एता स्थालिकाः, ये सब थालियां हैं। किम एता गोलाकारः, क्या ये सब गोलाकार की हैं? आम, आम मतलब होता है हाँ। एता गोलाकारः एव, हाँ ये सब गोल आकार की ही हैं। अंतिम देख लेते हैं। ताह यानी वे सब, काह मतलब क्या हैं या फिर वे सब कौन हैं। ताह अजाह, अजाह मतलब होता है बकरियां, यानी बकरी का बहुवचन, यानी वे सब बकरियां हैं। ताह किम कुर्वन्ती, ताह मतलब वे सब, किम मतलब क्या, कुर्वन्ती मतलब करती हैं, वे सब क्या करती हैं। ताह चलन्ती, ताह मतलब वे सब, चलन्ती मतलब चलती हैं, वे सब चलती हैं। एक बार फिर से देखेंगे। ताह काह, वे सब क्या हैं? ताह अजह, वे सब बकरियां हैं। ता किम कुर्वन्ती,
वे सब क्या करती हैं? ता चलंती, वे ता चरंती, वे सब चर रही हैं, यानी कि वे सब घास खा रही हैं, चर रही हैं। तो बेटे बच्चों, यहाँ पर ये पाठ पूरा होता है। आगे आप इस पाठ के शब्दार्थों को देख सकते हैं और इनको अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं ताकि आपको ये पाठ आसानी से याद हो जाए। तो ये इस पाठ के शब्दार्थ हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में नए पाठ के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।